सो लड़गर्स, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y75 डिवाइस के अंदर आप जो है डाटा सेवर सेटिंग्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। आप जो है आप अपने फ़ोन के डाटा को सेव कर सकते हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा डाटा यूज़ हो रहा है तो आप उसे बचा सकते हैं। तो इसे कैसे करेंगे, चलो हम फटाफट डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे यूज़ करना है, कौन सी सेटिंग्स है एंड गाइज आप उसे अपने फ़ोन के अंदर कैसे ऑन करेंगे। इसके लिए जाना हमें अपने फ़ोन सेटिंग के अंदर। सेटिंग्स हमारी यहाँ पर, आप इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले ये सेटिंग्स आपको सेकंड वाली मिल जाएगी, इंटरनेट जो आप देख रहे हैं ना, नेटवर्क एंड इंटरनेट वाली सेटिंग्स, आप इसको जस्ट ओपन कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये है डाटा सेवर सेटिंग्स, आप इसको प्रेस करेंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट एंड वाइड 11 और 12 वाले फीचर फ़ोनों के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सेव करने के लिए। अभी हम इसको ऑन करें, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसको ऑन करने से कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, मैं दोनों चीज़ों के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले तो मैं इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक अनरिस्ट्रिक्टेड डाटा का ऑप्शन आएगा, तो इसको आप प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आप उस एप्लीकेशन को इनेबल कर सकते हैं जिस पे आपको एक्चुअल इंटरनेट फास्ट ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को इनेबल करके रखा, क्योंकि मुझे एक्चुअली में क्रोम ब्राउज़र पे फास्ट इंटरनेट की ज़रूरत है, तो मैंने इसको ऑन कर दिया। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे डाटा पे क्रोम ब्राउज़र के अंदर, तो आप भी ऐसे करके ऑन कर लीजिए। तो ये तो हुई डाटा सेव करने की बात, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला तो ये है कि आप यहाँ से अगर हॉटस्पॉट ऑन करना चाहें अब ऐसे केस में डाटा सेवर में, तो ऑन नहीं कर सकते। सेकेंड ये है कि अगर आपका डाटा एक्चुअल में फास्ट है तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, बिकॉज अगर यहाँ पर इंटरनेट आपका स्लो है तो डाटा सेवर से और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें इसकी कंडीशन में से होगा कि आपका फ़ोन का जो इंटरनेट है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा इस डाटा सेवर की मदद से। तो ऐसे कंडीशन में आपको चेकआउट करना है कि आपका इंटरनेट फास्ट है या फिर स्लो है। फास्ट कंडीशन में आप इसको यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज अगर स्लो कंडीशन है तो आप इसको बंद भी कर सकते हो। ये दोनों फ़ायदे और नुकसान मैंने आपको बता दिए, हालांकि और कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता, बस जो ही इफेक्ट पड़ते हैं। आई होप कि आप समझे होंगे वीवो के Y75 जीवार के डाटा सेवर सेटिंग का यूज़ कैसे करना है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो इसके रिगार्डिंग तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, आप हमें कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।